हमीरपुर जिला में पंचायत पर नगर निकाय चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर मतदाता सूचियों में नए मतदाताओं के नाम पंजीकृत करने के लिए जिला के प्रमुख बस अड्डों पर विशेष स्टॉल लगाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने पांचों विधानसभा क्षेत्रों हमीरपुर, सुजानपुर, नादौन, भोरंज और बड़सर की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के तहत 14 दिसंबर तक प्रत्येक विस क्षेत्र के मुख्य बस अड्डे पर स्टॉल लगाकर नए मतदाताओं का पंजीकरण करने के साथ आम लोगों को जागरूक किया जाएगा। 1 जनवरी 2021 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं। हमीरपुर बस अड्डे पर जिला प्रशासन के निर्देशों पर स्थापित किए गए स्टॉल में कोई भी मतदाता इनका निरीक्षण करके अपना नाम शामिल होने की पुष्टि कर सकता है। साथ ही नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए भरे जाने वाले प्रारूप भी उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि उन्हें कार्यालयों के चक्कर ना काटने पड़े। प्रशासन की इस पहल को जनता भी खूब सराह रही है। नव मतदाता दिनेश गौतम ने जिला प्रशासन के कदम की सराहना करते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों स्थानों पर नए मतदाताओं के पंजीकरण की व्यवस्था करने से लोगों को कार्यालयों के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्टॉल के सार्वजनिक स्थानों पर होने का सभी को लाभ भी मिलेगा। और मैं यहाँ पे वोट बनवाने आया हूँ और ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है कि घर द्वार जाके या फिर जहाँ पे बस स्टैंड या जो भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे वोट बनाए जा रहे हैं। सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है ये। वहीं लाल सिंह ने कहा कि प्रशासन ने अच्छा कदम उठाया है कि बस अड्डे पर स्टॉल लगाकर नए मतदाताओं के नाम पंजीकरण किया जा रहा है। सरकार की अच्छी पहल है जो कि हर घर घर जाके वोट बना रही है और बस अड्डे के ऊपर हर हर आदमी का वोट बना रही है, अच्छा काम कर रही है। जिला निर्वाचन विभाग के अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि स्टॉल में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के नए मतदाताओं का पंजीकरण करने के साथ आम लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2021 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही कोई भी मतदाता इनका निरीक्षण करके अपना नाम शामिल होने की पुष्टि कर सकता है। उन्होंने बताया कि विभाग के पास लगभग 1000 नए फॉर्म पंजीकरण के लिए आए हैं। इसके वजह से है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि अपनी जो विधानसभा और लोकसभा की जो लिस्टें हैं उसमें अपना नाम दर्ज करवाने के लिए, जो कोई मतदाता छूट गया है या किसी के करेक्शन का काम है या किसी का वोटर कार्ड वगैरह कटवाना हो तो उसके रिगार्डिंग है ये स्टॉल लगाया गया है। यहाँ अभी तक सर अप्रोक्सीमेट है मतलब 70,000 के करीब करीब जो है यहाँ पे वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मतलब टोटल जो रजिस्टर्ड हैं वो 70,000 हैं, लेकिन जो अभी आ रहे हैं फॉर्म वो अभी 1,000 के करीब करीब जो हैं फॉर्म आ रहे हैं। जो कई बार जो लोग छूट गए जिनको पता नहीं है उनके लिए सर ये स्टॉल लगाया गया है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हों और अपना नाम इस वोटर लिस्ट में दर्ज करवाएं। दिसंबर तक लगेगा सर ये। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन विभाग ने पांचों बिस क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप संबंधित एसडीएम कार्यालय, तहसील उप तहसील कार्यालय के अलावा सभी 531 मतदान केंद्रों पर नियुक्त अभिहित अधिकारियों के पास भी उपलब्ध है। कोई भी मतदाता इनका निरीक्षण करके अपना नाम शामिल होने की पुष्टि कर सकता है। ऑनलाइन या ऐप के माध्यम से भी निरीक्षण किया जा सकता है और मतदाता सूचियों की नए नाम शामिल व इसमें दुरुस्ती 15 दिसंबर तक करवाई जा सकती है।